अस्सलाम वालेकुम मर्सा बारमी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत 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 से भी ज़्यादा बढ़िया होंगे। हाजिर पेश करता है आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ, और साथ में मौजूद है मेरे साथ उमर साहब। क्या हाल है, कैसे हो? एक बार पहले भी उमर मेरे साथ वीडियो में आया है, सो यू नो आप में से बहुत लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते तो भाई जान जाएंगे। मैं भाइयों की तरह मेरा दोस्त भी है। हाँ, तो तुम तो मास अफजल को बहुत देखते हो ऑलरेडी, है ना? मेरे से ज़्यादा बंदा मास अफजल को बहुत ज़्यादा ब्लॉग देखता है और बहुत शौक से देखता है। सो मास अफजल की रिक्वेस्ट आती रहती है, अब उम्मीद है कि ब्लॉगिंग की रिएक्शन शुरू कर दिया और ब्लॉगिंग की रिएक्शन आप लोगों को मिलते रहेंगे ब्लॉग्स वगैरह पे, जैसे डक्की भाई के हो गए वगैरह वगैरह, न्यू न्यू जिसका आता है उसमें मिलता रहेगा। लेट्स सी, इस दफ़ा जो इनका न्यू ब्लॉग अभी अभी आया है उसका नाम है आई गिफ्ट टू हर सॉ द गोल्ड, मतलब अपनी मोहतरमा जो इनकी सौजा है सुम्मी को भी दिया है। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि असल में जो किसी का सब्सक्राइबर होता है ना, देखो मेरे को तो नहीं पता, मैं तो ज्यादा होंगे लेकिन थंबनेल में मॉम और वो समझ आ जाए तो शायद वो दोनों को दिया। चेक करो भाई बंदे को, ज्यादा मैंने अभी देखा नहीं, लाइव रिएक्शन देना था तो इसलिए अभी देखेंगे। खैर अब देखते हैं, तो गोल्ड गिफ्ट ये है सऊदी अरबिया की जो अंगूठी है, देखते हैं क्या है ब्लॉग में क्या नहीं। अगर आपको कोई वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताना जरूर कौन सा पार्ट अच्छा लगा। कमेंट नहीं करते बहुत गलत बात है, कमेंट कर देना। भाई की आवाज़ खराब है, दुआ करो जल्दी से। सो विदाउट एनी वेस्ट टाइम, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो विदाउट एनी वेस्ट। लेट्स बिगिन सफदर ब्लॉग इन इंडिया। 26 अगस्त है और 10:30 हो रहे हैं, आज है जुम्मे का दिन। सो जुम्मा मुबारक सबको, मुबारक। आज हम मदीने में जुम्मा पढ़ेंगे, हमारा एक जुम्मा मदीने में है और एक जुम्मा है मक्के में। तो ये जुम्मे की खुशी जो होती है ना, ये तो बड़ी ही अलग सी मदीने में जुम्मे की अलग ही होती है। मैंने कल बोला था कि भाई फिक्स जो है 10:30 मस्जिद पहुंचना है, और हम लोग उठे हैं भाई तकरीबन 9:30 से और रेडी शेडी हो रहे थे। मैं और सबा बिल्कुल रेडी है, और कल वाला व्लॉग नहीं एडिट कर सके क्योंकि अभी ये हो रहा है कि एक दिन कभी कभार मेरे बीच में गैप्स आ जाते हैं व्लॉग के, तो आप लोग टेंशन नहीं लेकर आप समझ जाए करो कि भाई कि वो इम्पोर्टेंट दिन होगा या उसमें फिर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो रही होंगी जिस वजह से फिर एडिटिंग रह जाती है। सो कल मिला ब्लॉग नहीं डाला था, एक दिन लेट डाला है, सो आप जाके कल वाला व्लॉग भी देखें। सो वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। अरे गुड्डू रानी रेडी शेडी होकर आ गई है, कौन अंदर? कब से नहीं हो रहा, थोड़ी बहुत मुझे लगी अभी भूख तो, चाय कर रहा थोड़ा जूस पीते हैं हम। ये देखो फरिया की उम्र क्या, आप लोगों को मालूम हो 100% तो बताइएगा ना। जूस कौन सा पीऊं? हाँ ये पीता हूँ, कैरेट वाला। अरे टोपी तो लगाना ही भूल गया। अब हो गया फुल रेडी, हो गया भाई महाराजा बिल्कुल रेडी। इसी बार मैं आ चुका पापा के कमरे में, पापा भी रेडी हो चुके हैं और डमाडस मेंडस भी रेडी हो चुका है। चप्पल के बगैर आ रही थी क्या? अब कार्टून आ गया सच में बेहतरीन। इस वजह से हम जा रहे हैं भाई जल्दी, लेकिन अभी भी देखो कितने लोग जा रहे हैं माशाल्लाह। आगे मिलती है या पीछे? मक्के में नहीं मदीने में, मदीने में मक्के याद आ गया यार। तुम भी गए हो ना, क्या था हमने? हां ना अल्लाह देख सकते हैं आप, अभी भी लोग अंदर जा रहे हैं और बाहर अभी रश इतना नहीं है, तो जैसे जैसे अंदर की मस्जिद फुल हो जाएगी फिर बाहर बाहर रश होना शुरू हो जाएगा। अरे फाइनली भाई ये पूरी मस्जिद तकरीबन भर चुकी है आधी, लेकिन हमारी जो जगह है ना वहाँ पर वो अलहमदिल्ला से लग रहा है कि थोड़ी बहुत खाली है। जगह मिल गई, जगह मिल गई। अभी टाइम हो रहा है 11:12 और नमाज जो है वो 1 बजे तक मिलने के दिन पूरे सड़क पर भी सफ़े दिखा रहे हैं। जी आज की गिरत
सूरह असर पढ़ी ना पहली रकात में, दूसरी रकात में जब उन्होंने अलहमद शरीफ पढ़ी ना, सबसे कमाल ये जगह भाई, अगर बंदे को घूमने घूमने फिरने में मजा नहीं है, इबादत अपनी यहाँ पर जो फील आया है जुम्मे का अपनी तरफ जो ना, ईद पर भी ऐसा समझ नहीं। सही बोल, बिल्कुल ठीक बोल रहे, जुम्मा बिल्कुल मामला ऐसा होता है, इहतमाम होता है, कोई कहीं पे भी हो झुकना की नमाज आ गई है, मेहरम का बढ़ता है। अच्छा अच्छा, कौन सी ईद है, खाना है इसकी तो नहीं आ गया खाना, रखो रखो रखो, नीचे बैठ के खाते हैं खाना भाई, हमें होटलों में ही खाना पड़ता है और वो भी नीचे बैठ, लॉबी में जो डिनर का हुआ है ना, वो सिर्फ उनका अपना ही है कि भाई आप पैसे दो और हमारा खाना खाओ, बाहर से जब भी लाओ रूम में बैठ के खाने में भाई होमोस और ये चिकन के पीसेस और बर्गर कहीं गया, अरे हमने लिया था भाई चिकन फ्लिट बर्गर, खाते फटाफट से आज दोपहर। अच्छा बाहर भी बढ़ रहे होते हैं, अंदर फुल होके बाहर भी बढ़ रहे होते हैं, बाहर भी फुल भरा हुआ होता है और ये फ्रेश इतना ठंडा होता है कि आप सोच नहीं सकते, जैसे बर्फ होती है वैसे नीचे वाला फर्श जो होता है, क्योंकि नीचे इन्होंने नीचे एसी लगा है फ्रेश नीचे, बाकी ये फैंस भी काफी ठंडी हवा देते हैं। एक शुया और कुल तमाम बिलाल मार्केट हाउ मच, चलो चलो मतलब मिनिमम जो प्राइस देते ना तो 15 से स्टार्ट करते हैं लोग, 15,000 दूर होगा तो वो 20 से ऊपर, इधर से खुली भी आपसे खुली भी है भाई शॉप्स, पहली शॉप नहीं जाना है, सोना नहीं आर्टिफिशियल सारा सोना हुआ पूरा, लेकिन वो बोलते हैं कि आर्टिफिशियल ये सोना है, ये चीज अच्छी लगी यार, एक नया बंदा हो ना और उसको पता ना उस सोने के बारे में, लाइक जैसे मैं, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी नहीं आया हूँ मार्केट में और ना कभी शॉपिंग की होगी सोने की, तो इन्होंने बता दिया कि भाई ये आर्टिफिशियल है, जिस वजह से मुझे खुद भी पता लगा और इनको भी। सब जा रहे भाई होटल, एक्सक्यूज मी होटल जाने वहाँ पर हरम की तरफ, इधर एक होटल की गाड़ियां 15 में आए थे, 15 में जाए पाकिस्तान में पहली बार है पाकिस्तानी स्पेशल से स्पेशल गाड़ी लगा रहा हूं की भी लगा दो सर, एक ड्राइवर दूसरा की हाई क्लास गाड़ी में बैठ कर वो खड़े भाई हो गया, ठीक है अभी फिलहाल हमारी फौजी की रूटीन चल रही है जी, हां हां आपकी वीडियो भी आएगी भाई आप टेंशन नहीं लें, आप भी सब्सक्राइब कर लिया बस रात ही रात ब्लॉग आ जाएगा उसमें, आप भी बिल्कुल आ ही रहे हैं अंडरपासिस जाके, बड़े मजे के भाई बहुत मजे, मतलब हां मतलब तकरीबन यहां पर अंडरपासिस 60-70% आती है हमारे वहां, सॉरी समझ नहीं आया, पहला फेस बड़े गपशप लगाइए भाई हमने, मौसम आज मदीने का कसम से बहुत कमाल हो रहा है, हर जगह बादल ही बादल है, हम बोल रही है काश हमें आज बारिश मिल जाए, 3 दिन से जो ना ऐसे बादल थे क्लियर हो रहा था आसमान, आज बादल चलो शायद पापा सो रहे हैं और भाई मजा आता है व्लॉग देखने में, मजा आता है और जो रिंग गिफ्ट करी ना वो बहुत ही आला थी यार, मी को भी जो गिफ्ट करी, और एक बात बताओ वहाँ के सोने की बात अलग होती है, मतलब यहाँ पे पाकिस्तान में आप लोग आपको 22 ग्रेड का 24 ग्रेड का ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम लग जाएगा, बट वहाँ पे ओरिजिनल आपको 22 ग्रेड से नीचे का नहीं मिलता, वो बता रहा था 40,000 ये पाकिस्तान और फिर जब आप अपनी बीवी के साथ ऐसी जगह पर वो एक अलग ही होता है और फिर आप वहाँ पर उसको वहाँ का सोना गिफ्ट करो, और वो भी फर्स्ट टाइम ही है ना, फर्स्ट टाइम पहला साल है ना, पहला साल तो बात ही अलग होती है, बहुत मजा है व्लॉग देखने में, इसी तरह व्लॉग जबरदस्त होते हैं मास्टर करके, आप और भी रिक्वेस्ट करा सकते हैं कि व्लॉग पे रिएक्शन करना चाहिए या नहीं चाहिए, बाकी आप बताएं आपको सबसे बेस्ट पास कौन सा लगा, मुझे तो पूरा का जब शेयरिंग गिफ्ट करेंगे उस टाइम जो चेहरे पे एक ग्लो था वो वाली बात ही अलग होती है, सो व्हाट अबाउट यू, व्हिच पार्ट यू लाइक, जो भी पार्ट अच्छा लगा हो उसको कमेंट में बता देना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।